क्या हो रहा है भाई? अरे आप आ गए। मगर ये तू क्या कर रही है भाई? डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा था ना, और तू है कि पहाड़। आराम करने का मतलब ये तो नहीं कि पूरे दिन बस खाट पर पड़ी रहूं। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या, ऐसी हालत में हल्के फुल्के काम करने से शरीर को अच्छा रहता है। बस बस, रोज अस्पताल जा जाकर तू भी आधी डॉक्टरनी हो गई है। इले माँ जी ने भेजे हैं, क्या है खुद ही देख लो। आई लाडू। माँ जी कितनी अच्छी है। अब एक मुझे भी तो दे। लो, अब और मत मांगना, समझे? सच प्रमीला, मुझे बेटा चाहिए, वो भी अभिमन्यु जैसा। अरे चूड़ी के बेटा ही अभिमन्यु, ये जैसे माता सुभद्रा, पिता अर्जुन, मामा कृष्ण नहीं है। हवे, हवे, हवे रागी। तब फिर अभिमन्यु का बरनी है दीदी? बने पूछे भाई, ये ना बताए बर। अच्छा, ले मैं एक दिन किस्सा सुनावा। वाह भाई वाह, आज के सुभद्रा के किस्सा। अच्छा, रामे 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 आज के
आ गई महारानी, मुट्ठी भर घास लाने में तुझे घंटे भर लगते हैं। अर्जुन की माँ, अरे ओ अर्जुन की माँ। कौन? रामकली। आ गई नहीं? आ बैठ बैठ बैठ। ये मंदिर जा रही थी। हाँ। सोचा था नहीं देर। अच्छा किया, कैसे अच्छा किया। सब ठीक ना? हाँ अच्छा। ये कौन? अर्जुन की बहू है क्या? हाँ वही है। कैसी उड़न बछेरी सी चल रही है। शादी हुए कितने दिन हो गए? चैत में हुआ है बिया, अब तुम खुद ही गिन लो। हाँ। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, पूरा 4 महीना हो गया। अब तक पैर भारी नहीं हुआ क्या उसका? अब क्या बताएं बहनी, अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस छोटे की शादी का तो मुहूर्त ही गलत निकला था। इस बहू में सब किस्मत की बात है अर्जुन की माँ। अरे फूलकुंवर को तो तू जानती है ना? उनका लड़का शादी करके बहू घर लाया, चौथे ही दिन बहू राम नाम सत है। वैसा भी हो जाता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन ये 4 महीने ये कौन नाश पिता हमारा। सुभद्रा देख तो जरा। अरे भैया आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ। कौन है सुभद्रा? अरे कन्हैया आवा आवा। सुभद्रा भाई के लिए पानी वानी ला। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा आओ बैठो कन्हैया बैठ। कैसे आना हुआ? माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओहो, बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। अरे सुभद्रा को बहुत याद करती है। ओ, सुभद्रा को लेने आए हो? जी हाँ, अगर अगर दामाद बाबू इजाजत दे तो। ये दामाद बाबू कौन होता है इजाजत देने वाला? शादी को 4 महीने हो गए, अभी तक बहू का पाँव भारी नहीं हुआ है, ऊपर से तुम आ गए उसे लेने। कान खोलकर सुन लो, अभी पितृपक्ष चल रहा है, बहू मायके नहीं जा सकती। माँ जी, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि एक बार सुभद्रा को। बिल्कुल नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया बस। हो गई मंगनी? बाजे वाजे तो सुनाई नहीं पड़े, कंजूस कहीं के। कुछ खिलाया पिलाया या वैसे ही टरका दिया? जी ऐसे खिलाए थे। क्या तूने खाए तो नहीं? अरे कल मुही एक जान से दो जान हो रही है तू, ऊपर से गुड़ के बने पकवान खाती है। हे राम, तेरी मति को क्या हो गया है? पेट में गर्मी बढ़ गई तो? राम राम माँ जी, सुबह सुबह किस पर गर्म हो रही हो? आ
बैठो बैठो नर्स भाई, जा पानी वानी लेके आ। क्या हुआ माँ जी? ईर्ष्या खा कर आई है नी गोड़ी। तो क्या हुआ, जहर तो नहीं खाया? जहर ही समझो, ऐसी हालत में भला कोई गुड़ के पकवान खाता है? ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। इन्हीं डकियानुसी विचारों के कारण आजकल लाखों बच्चे या तो अपंग पैदा होते हैं या तो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। आज का विज्ञान बताता है कि गर्भावस्था में स्त्रियों को अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए। वाह रे, औरत को खिला खिला कर बच्चे को इतना मोटा कर दो कि वो पैदा ही ना हो सके, यही सिखाता ना तुम्हारा विज्ञान? ये तुम्हारी दूसरी गलत फहमी है और इसी कारण तुम सुभद्रा को लगभग भूखा रखती हो माँ जी। माँ के खाने से बच्चा तंदुरुस्त होता है, मोटा नहीं। और अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो छोटे से ऑपरेशन से हल हो सकती है, इसके लिए भला माँ को खाने पीने से क्यों रोकना? हाँ हाँ, हमारी तो सब बातें ही गलत है। नहीं, बुजुर्गों की सभी बातें गलत नहीं होती, लेकिन शिक्षा से जो नई सच्चाइयाँ उजागर हुई है उन्हें भी तो स्वीकारना चाहिए। आ गए। हेलो, अरे ये क्या लिया है, बैगन? तुम्हारी अकल भी? अरे बैगन खाने से कहीं बच्चा काले कोले जैसा? बैंगन तो माँ जी गर्भवती स्त्री के लिए बड़े अच्छे। खैर, सुभद्रा भाभी कल आपके भाई से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने संदेशा भेजा है कि माँ बहुत बीमार है, तुम फौरन मैके पहुँच जाओ। बहू को मैके चली जाना चाहिए? तो चली जाए ना, रोका किसने है? हाँ, पंडित जी बता रहे थे कि कल सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण? नहीं नहीं, तब तो बहू घर से बाहर पैर भी नहीं निकाल सकती। क्यों भोला? अरे बावली हो गई है क्या, सूर्य ग्रहण में बाहर निकलकर अपाहिज बच्चे पैदा करेगी? तो मैं परसों चली जाऊँ क्या? परसों बुधवार, बुध को यात्रा? नहीं नहीं, अब तू 2 दिन बाद ही जाना। अर्जुन की माँ,
तेरे घर में तो लक्ष्मी आने वाली है। बकवास मत करो सर, देखो ना बहू के पैर कितने सूजे हुए हैं। मुझे लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं चाहिए। यह अपने बस की बात तो है नहीं, मुझे तो लड़का चाहिए, समझी? फिर सुभद्रा का क्या हुआ दीदी? सुभद्रा को भी बेटा हुआ राजीव। अच्छा, पर अभी मनु जैसे वीर नहीं भाई। तो फिर कमजोर अपंग और बीमार बच्चे को सुभद्रा ने जन्म दिया भाई। अरे अरे, अब मैं सब समझ गया दीदी। समझ गए ना? हाँ, और क्या समझे रागी? यही समझा कि अंधविश्वास और अशिक्षा, अच्छा अज्ञानता और मूर्ता, हाँ इन सब के कारण क्या भाई, इन सब के होते जन्म नहीं दे पाती भाई। बहुत सुंदर रागी। अब ऐसा होगा ना होने दूंगा अच्छी तरह दर्शकों, इसी तरह हम अगले 12 प्रसंगों में दिखाएंगे कि किस तरह ब्रह्म और कुंठाओं के अंधियारे में भाई नव ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैल रहा है भाई।